Hey my lovely ladies, welcome to my channel and welcome to third part of my wedding series which I have started I guess 2 or 3 weeks back. Aaj ka video hone wala hai makeup essentials for bride to be or like in general. So if you found the video helpful, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. Let's get started. Alright guys, so makeup एक ऐसी चीज़ है जो person to person vary करती है. जो भी makeup essentials हैं हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे. extra के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो totally आप पे है. अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. so first product is काजल. obviously काजल एक ऐसी चीज़ है जो you know आपके face को एकदम से glowy बना सकती है. like in my case अगर मैं काजल ना लगाऊँ तो मैं एकदम बीमार लगती हूँ. काजल लगा के एकदम चेहरा खिल जाता है. सो मेक श्योर कि आप एक अच्छे काजल में इन्वेस्ट करें. मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का जेल लाइनर वाला जो काजल आता है, जेल काजल मैं वो यूज़ करती हूँ और वो मैं यूज़ कर रही हूँ आई गेस जब से वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है. आई गेस इट्स बीन 7 or 8 years नाउ जब से मैं उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ. और वो इतना सा जेल में रहता है, अगर आप डेली भी उसको यूज़ करते हो तभी वो आराम से आपके 5 से 6 महीने आराम से निकाल देता है. सो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. दैट इज़ द बेस्ट काजल यू कैन गेट. और वो आपका एज अ लाइनर भी काम आता है. सो दोनों आपके जो चीज़ें हैं काजल एंड लाइनर का काम वो आपका दोनों का एक ही प्रोडक्ट से हो जाएगा. सो आई हाईली रिकमेंड मेबलिन का जेल काजल. सेकेंड चीज़ आती है गाइज आईब्रोज. नाउ आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी सेट हैं अच्छी हैं तो पूरे चेहरे को यू नो अलग ही डायमेंशंस दे देती हैं. अगर कहीं पे फ्लॉज हैं, बिकॉज मोस्टली ये हो जाता है जब भी आप किसी पार्लर लेडी के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से साला एक आधा ना एक्स्ट्रा बाल निकाल ही देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं पे हॉलोज हो जाते हैं. सो उनको फिलअप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक आईब्रो किट की. अब ये आप यू नो आप पे है, आप आईब्रो पेंसिल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप एक पोमेड में पोमेड्स चले हुए हैं आजकल आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप जो किट्स आती हैं पाउडर एंड जेल वाले आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं पहले यू नो जो पेंसिल आती थी लैकमे की 45 रुपीज़ की मैं वही यूज़ करती थी बिकॉज ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं मुझे, तो मैं उसी को हल्का सा करके सेट कर लेती थी. सो उसके बाद मैंने अब रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट किया है लॉरियल की ब्राउ आर्टिस्ट किट में. वो भी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 900 के आसपास की है, बट उसमें आपको एक साइड मिलती है जेल और एक साइड मिलता है आपको कलर. तो वो भी आपकी बहुत लंबा टाइम निकाल देगी आपकी. एंड उससे जो ब्राउज की जो लुक है बहुत ही नेचुरल आती है. उसमें एक साइड ब्रश है एप्लीकेशन के और एक साइड स्पूली है. सो वो बहुत अच्छा है. तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं. अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. थर्ड चीज़ है गाइज मस्कारा. अब ये कैसी चीज़ है जिससे आपकी आईज़ को डेफिनेशन मिलती है. अब मस्कारा आप किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो. मैं अगर आप सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको मेबलिन के मस्कारास सजेस्ट करूँगी. उसमें बहुत सी ऑप्शन है, हाइपर कर्ल है, येलो वाला फिर और है. तो मैं आपको मेबलिन का ही सजेस्ट करूँगी कि मेबलिन के मस्कारास हैं वो बहुत अच्छे हैं. सो थर्ड चीज़ होगी हमारा मस्कारा. फोर चीज़ आती है गाइज लिपस्टिक. अब लिपस्टिक अगेन यू नो ड्रेस एंड हैंडबैग के केस में जो मैंने आपको कहा था क्लासिक रेड क्लासिक ब्लैक, ऑब्वियसली लिपस्टिक ब्लैक तो नहीं बट येस मेक श्योर करें कि एक रेड क्लासिक लिपस्टिक ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है. रेड हो गए, पिंक होगी और एक हो गई न्यूड लिपस्टिक. ये तीन लिपस्टिक आपके किट में ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज ये तीन कलर इतने वर्सेटाइल हैं, ये ऑलमोस्ट आपके सब आउटफिट्स के साथ चले जाएंगे. नाउ नेक्स्ट चीज़ है ब्लश. ये आपको इंडिविजुअली खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब वो दोबारा ट्रेंड वापस आ गया है कि आप अपनी लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश लगा सकते हो. पहले भी ये फैशन आया था, दोबारा से आ गया है. सो आपको अलग से ब्लश में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अगेन मेबलिन के छोटे छोटे वाले आते हैं ब्लश, सिंगल ब्लश छोटे वाले, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो या ब्रांड आप टोटली आप पे हैं, आप जो मर्जी ब्रांड यूज़ कर सकते हो. बट मेबलिन का क्या है कि वो छोटे वाले आते हैं एंड दे आर क्वाइट रीजनेबल अफोर्डेबल, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ ब्लश. नेक्स्ट आता है गाइज फाउंडेशन एंड कंसीलर. अब ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगी अगर आपके स्किन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं. अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है, स्किन आपकी बिल्कुल ठीक है, तब मैं आपको फाउंडेशन एंड कंसीलर रिकमेंड नहीं करूँगी. बिकॉज होता क्या है कि हम अननेसेसरी फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाते हैं, उससे क्या है हमारी स्किन और ख़राब होती है. सो मेक श्योर करें कि अगर आपकी स्किन ठीक है देन डोंट गो फॉर फाउंडेशन और कंसीलर. बट
yes, थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है, मान लीजिए डार्क सर्कल्स हैं या कहीं पे पिंपल के मार्क्स हैं या कहीं पे अनइवन स्किन टोन है, तब आप एक फाउंडेशन में और एक कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन के लिए पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेबलिन की, अगेन मेबलिन, वाई मेबलिन आई डोंट नो, बट मेबलिन के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड उसकी जो फिट मी रेंज है दैट इज़ वेरी गुड। मैं करंटली वही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन की फिट मी, आई एम इन द शेड 128 वॉर्म न्यूड एंड उसी का फिट मी की ही रेंज का कंसीलर है विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड उसके लिए तो ऑब्वियसली सारे यूट्यूबर, सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स और सारे ब्यूटी गुरुज कहते हैं कि आपको यू नो फिट मी का कंसीलर यूज़ करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली मैं भी उसको रिकमेंड करूँगी आपको बिकॉज वो बहुत अच्छा है, फुल कवरेज है एंड अफोर्डेबल भी है एंड अच्छा है। नेक्स्ट आता है गाइज हाइलाइटर। अब हाइलाइटर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ यू नो वीडियोस में अच्छी लगती है, इंस्टाग्राम में अच्छी लगती है, डेली वेयर में वो अच्छा नहीं लगता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप प्लीज़ इस हवे से बाहर निकलें कि हाइलाइटर और स्किन बहुत ग्लो कर रही है, वो सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस तक ही अच्छी लगती है बिकॉज उन लोगों ने रिंग लाइट्स, सॉफ्ट बॉक्स की लाइट और पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स लगा के रखी होती हैं, तब वो उनकी स्किन बहुत शाइन करती है। बट अगर आप नेचुरल लाइट में जाएंगे, डेली वेयर में उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही वाहियात लगता है, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है, बहुत ही अननेचुरल लगता है एंड लोग फिर आपके यू नो ऐसे देखेंगे क्या लगा के तुम निकल गए हो। सो मैं हाईलाइटर आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट स्टिल अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए, ड्यूई ग्लो लुक चाहिए तो आप स्ट्रोक क्रीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगेन ये मेक श्योर करें कि आप अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैक की स्ट्रोक क्रीम, अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं या मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगी, आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो उस वीडियो को, तो उसमें मैंने आपको दिखाया है, आप उसमें देख पाओगे कि वो कितना नेचुरल लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फाउंडेशन एंड कंसीलर। अगर आपको ड्यूई लुक पसंद है तो आप स्ट्रोक क्रीम को मिक्स करके अपने मॉइस्चराइजर में अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी एक नेचुरल सी लुक आ जाएगी। नेक्स्ट आता है गाइज बेकिंग। अब ये फालतू की चीज़ है बेकिंग, और ये सेटिंग पाउडर ये सब चीज़ें उनके लिए होती हैं जिनकी स्किन ऑयली है और जिनकी जो नीचे के एरिया हैं वो दे आर टेंड टू क्रीज, अगर उनके बनती है तब उनको बेकिंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आई थिंक आपको किसी सेटिंग स्प्रे, किसी सेटिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है, देन डोंट वेस्ट योर मनी इन सेटिंग पाउडर। बिकॉज मैंने भी यू नो बहुत सुन के कि हाँ मेबलिन का जो फिट मी का जो लूज पाउडर है वो बहुत अच्छा है, मैंने भी ले लिया बट जब मैंने उसको अप्लाई किया तो मेरी स्किन बहुत ऐसे अजीब सी पैची सी हो गई, सो मेरे को तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। सो बेकिंग मेरे लिए तो बेकिंग के लिए ना है, सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको मना ही करूँगी कि आप बेकिंग की तरफ ना जाएं। नेक्स्ट चीज़ है गाइज ब्रॉन्ज़र। अब ब्रॉन्ज़र आपके फेस को हल्की सी डायमेंशंस देने के लिए अच्छा है, आप कंटूर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगेन वो नेचुरल नहीं लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। कौन सा लें ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैंने खुद ब्रॉन्ज़र नहीं लिया तो मैं कैसे आपको बताऊं, बट येस मैंने लॉरियल का जो ब्रॉन्ज़र है उसका मैंने सुना है वो अच्छा है, लाइक हल्की सी आपको अगर वार्म अप देनी है अपने फेस पे तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज़ आई थिंक उतनी आपको ज़रूरत होती नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड ब्रॉन्ज़र, बट विच वन आई कॉन्ट टेल यू। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज आई शेडो पैलेट की। अब आई शेडो पैलेट अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेबलिन के जो न्यूड्स पैलेट हैं उस इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। उसमें ऑलमोस्ट सभी कलर अवेलेबल हैं, जितने भी आपको न्यूड्स चाहिए, ब्लैक है उसमें, शिमरी कलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं उसमें, तो आप उस न्यूड पैलेट में या आप कोई भी एक आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5-6 पैलेट्स लेने हैं, एक पैलेट ले लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर उसमें गोल्डन टोन्स हैं, न्यूड टोन्स हैं, तो आई गेस वो आपका वर्सेटाइल है, वो आपका हर मेकअप लुक में आपके काम आ जाएगा। सो दैट इज़ इट गाइज, आई होप आपको आज के इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।